अब ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा आज रविंद्र भैया बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह, आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा आप लोगों को पता होगा कि आज 1,24,000 शिक्षा मित्रों के भविष्य का फैसला होने जा रहा था, लेकिन हमारे बीच के कुछ विभीषणों के द्वारा कोर्ट में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य किया गया और माननीय जज साहब के पास समय का अभाव था, जिसके कारण उन्होंने कल इसकी सुनवाई नियमित करने की वो की है, तारीख रख दी है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के द्वारा जब हमारा केस चल भी नहीं रहा था तो लोग व्हाट्सएप पर उंगली चलाने का कार्य कर रहे थे कि हमारा केस 35 नंबर कोर्ट में चल रहा है, अब ये हो गया है, अब ये होने वाला है। आज तक शिक्षा मित्र की दुर्दशा का कारण अगर कोई बना हुआ है तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र ही शिक्षा मित्र को लूटने का कार्य कर रहा है। विचार करना चाहिए, कुछ ऐसे लोग बिलों से निकल आए हैं जो याची के नाम पर लोगों को गुमराह करके 2,000 रुपए लूटने का कार्य कर रहे हैं और 1,24,000 शिक्षा मित्र के भविष्य को गर्त में ले जाने का भविष्य काम कर रहे हैं। ये विचार करना है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, हमारी बहनों को, जो लगातार अंधभक्ति होकर के व्हाट्सएप पर लिखने का कार्य कर रही हैं, यदि आप लोगों को सच्चाई का पता होता, यदि ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में आकर के देखिए कि इस लड़ाई को कौन सही लड़ने का कार्य कर रहा है। व्हाट्सएप पे ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लिखने अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि अपनी आदतों से बाहर आ जाइए और जो सही लड़ाई लड़ रहा है उसके कंधे से कंधा मिला करके उसको सहयोग देने का कार्य कीजिए, वरना उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र इतिहास बनकर रह जाएगा और ये चंदा चोर नेता फिर लूट करके भाग जाएंगे। ये विचार करना है, ये सोचना है, ये समझना है। आप अध्यापक हैं, अध्यापक में क्या गुण होने चाहिए उसको समझ करके आपको सहयोग करना चाहिए। साथियों, कुछ लोग पैसा लेकर के बड़े बड़े सपने संजोए हुए हैं, उनके सपनों को पूरा मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के 1,24,000 शिक्षा मित्र के घरों को देखिए, जो इस समय उनके बच्चे, उनके माता पिता आशा भरी निगाहों से कोर्ट की ओर देख रहे हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति का सहयोग करिए जो आपकी इस लड़ाई को जीत करके आपके घर तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, हिमांशु राणा अकेले उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को धूल चटा देता है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, दलाली करने का कार्य कर रहे हैं, 2,000 रुपए लेकर के याची का जो खेल खेल रहे हैं, इसका परिणाम बहुत ही भयानक होने जा रहा है। साथियों, आज भी कोर्ट में हमारे 1,24 के मैटर को लेकर के कोर्ट नंबर 6 में 67 नंबर पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस शिक्षा मित्र विभीषण नेताओं के द्वारा ही उसमें भी अवरोध उत्पन्न करने का कार्य किया गया और जज साहब से ये कहा गया, मुझे समय दीजिए, अभी मुझे तैयारी करनी है। साथियों, एक तरफ जजमेंट होने जा रहा है, दूसरी तरफ ये विभीषण उसमें अवरोध उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन कोर्ट रद्द कर चुका है, फिर भी 1,72 की बात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको विचार करना है, आपको सोचना है, समझना होगा और व्हाट्सएप, ऑडियो, वीडियो के माध्यम से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। अगर इनकी सच्चाई का राजभाष करना है तो आप लोग घरों से निकलिए और कल जो सुनवाई है निकल करके सुप्रीम कोर्ट में आकर के देखिए कि आपकी 1,24 की लड़ाई को कौन सही दिशा में लड़ने का कार्य कर रहा है। आप भोला शुक्ला जी का इतना सहयोग कर दीजिए कि ये बड़े से बड़े अधिवक्ता के माध्यम से आपकी इस लड़ाई 1,24 को जीत करके आपके घरों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा अगर इन चंदा चोर नेताओं के बहकावे में आकर के
याची याची का खेल खेला तो इतिहास लिख दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों की लड़ाई को कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा आगे, और निश्चित रूप से इसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, आज भी कुछ लोग फोन के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि भैया याची बन जाए। अरे इस याची ने उत्तर प्रदेश के 172,000 शिक्षा मित्रों का जीना बहाल कर दिया है। आपको ऐसे नेताओं से दूर रहना है और पूरे मनोयोग के साथ घर से निकल करके जो भी आपका सहयोग हो रहा है 100-200 जो भी आप दे पा रहे हैं जा करके भोला शुक्ला के अकाउंट में देने का कार्य कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार हिमांशु राणा ने 1,00,000 बीएड वालों का केस लड़ करके उनका एक इतिहास रचने का कार्य किया था, वैसा ही इतिहास 1,24,000 का भोला शुक्ला जी के द्वारा रचा जाएगा। आप किसी भी विभीषण को इतनी ताकत ना दे कि 1,24,000 की लड़ाई को कमजोर करने का कार्य करे। आप उस वृक्ष को ताकत दीजिए जो सही दिशा में लगा हुआ है और आपकी लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का कार्य कर रहा है। अपील करूंगा मैं अपनी बहनों से कि आप ये ऑडियो वीडियो को ध्यान में मत रखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। आपको इस समय सोचना है कि मेरा भविष्य किधर जा रहा है, आपको अपने भविष्य को संवारना है। ये नेता पैसा लेकर के अपने कल को बनाने का कार्य करेंगे और आप लोग जहां पर थे फुटपाथ पर आ जाएंगे, फिर शिक्षा मित्रों की लाशें निकलने शुरू हो जाएंगी और ये नेता आराम से जा कर के पार्टियों में मग्न हो जाएंगे। भाइयों बहनों मैं फिर कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहनों से कि घर से निकल करके एक हाथ को मजबूत कीजिए जो सही दिशा में आपकी लड़ाई को लड़ने का कार्य कर रहा है। भोला शुक्ला जी के खाते में इतना सहयोग कर दीजिए कि भोला शुक्ला इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़कर 1,24,000 शिक्षा मित्रों के भविष्य को संवारने का कार्य करें। यदि इनके द्वारा भी पैसे का आर्थिक शोषण किया गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य मैंने अपने अध्यक्ष के खिलाफ किया है वही कार्य मैं भोला शुक्ला के खिलाफ भी करने का कार्य करूंगा। इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं जब तक कि 1,24,000 की लड़ाई को पूरी ईमानदारी से जीत नहीं लिया जाता है। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय शिक्षा।